बीटेक या नेटिव को कॉल से पास आउट हो के आपको एक कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, बट उसको छोड़ के आप एमएमए के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो मतलब मुझे खुद पे कभी कभी आ जाता है क्या लॉस माई माइंड है अभी, कि मुझे इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू HSCR स्कॉलरशिप, अजीम को भी किया है और बहुत सारे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को करता है। ड्रीम है कि मैं उनके लिए गोल्ड लेके जाऊँ, जब एक बार मम्मी से प्रोमिस कर लिया तो फिर कर लिया, लेके तो जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक्चुअली मैं तो बचपन से ही मार्शल आर्ट में हूँ। मेरा मामू जो था तो वो बॉक्सिंग और रेसलिंग खेलता था, उनके साथ खेलने लगा था बचपन से ही। तो फिर आगे बढ़े तो फैमिली वालों को ऐसा था कि बाप ने बोला कि आपको इंजीनियर बनना है, पढ़ाई करना है, करना था तो वो फॉलो करना पड़ रहा था, उन्हें मार्शल आर्ट से अलग कर दिया। फिर धीरे धीरे जब बड़ा, एज बढ़ गई तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं, बट परमिशन नहीं मिल रही थी घर से, तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है मैं सपोर्ट करती हूँ, तुम जाओ खेलो, मतलब पापा को मैं मना लूँगी। फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मम्मी ने, मतलब ऐसा था कि घर में कुछ भी काम बिगड़ जाता था तो पापा कोच को फ़ोन करते थे कि इसको कल से मत जाने दो, बाहर निकाल दो इसको, तो बट चलता रहा। तो उस टाइम मैं टेक्वांडो खेलता था, 3 ईयर्स में ब्लैक बेल्ट मिला, कोच भी खुश थे, स्टेट चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन। तो उसके बाद फिर पढ़ाई में भी अच्छा था तो इंडियन गवर्नमेंट ICCR के थ्रू स्कॉलरशिप मिला इंडिया में, फिर यहाँ पे आया, NIT भोपाल में पढ़ने लगा। तो फर्स्ट डे पे जब लोग आते हैं कॉलेज में तो वो कॉलेज देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं। मैं बोला यहाँ पे कोई जिम है क्या कॉलेज में? उन्होंने बोला यहाँ पे तो अच्छा जिम है बट बाहर इससे भी अच्छा है। मैं बोला कहाँ पे? तो फर्स्ट डे पे मैं TT नगर स्टेडियम गया, वहाँ पे देखा इतना अच्छा फैसिलिटी लोगों को मिल रहा है, सब लोग खेल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया। फिर फर्स्ट डे से स्टार्ट किया वहाँ पे टेक्वांडो खेलना। मुझे MMA के बारे में उस टाइम पे नॉलेज नहीं था कि मतलब इंडिया में इतना अच्छा लेवल पे MMA होता है। तो फिर फेसबुक के थ्रू विकास शर्मा सर मिले, वो MMA मतलब प्रेसिडेंट थे MP के, तो उनसे मिला। तो वो 2016 से टिल नाउ इन फ्यूचर वो हमेशा मेरे कोच रहेंगे, और उनके मतलब उनकी वजह से मैं MMA में आया। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब जितना आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो MMA को प्रमोट करने के लिए, ऐसे मेरा भी है। हार्ड वर्क करोगे तो हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि आई लव MMA। उसके लिए आप सोचो कि आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, बीटेक या नेटिव भोपाल से पास आउट हो कि आपको कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, बट उसको छोड़ के आप MMA के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो मतलब मुझे खुद पे कभी कभी आ जाता है क्या आई लॉस माई माइंड, बट ठीक है आई लव MMA। तो मुझे कभी ज़िंदगी में ये फील नहीं हुआ पूरा कि मैंने MMA के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जॉब तो बाद में भी कर सकते हैं बट MMA के लिए एक एज लिमिट होती है, उसमें अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर बाद में कुछ नहीं कर पाऊँगा। सबसे मेमोरेबल मोमेंट ये होता है कि आपका कोच आपके लिए खुश हो जाए, जब वो आपके लिए खुश होता है तो वही सबसे मेमोरेबल मोमेंट होता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि आपकी मम्मी खुश हो जाए जब वो बोलती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको गोल्ड चाहिए, जैसे सब लोगों को ओलंपिक गोल्ड चाहिए, तो मेरे उनका मुझसे यही ड्रीम है कि मैं उनके लिए गोल्ड लेके जाऊँ, जब एक बार मम्मी से प्रोमिस कर लिया तो फिर कर लिया, लेके तो जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चल रहा है तो वो MMA को बैन कर दिया, और लो लेवल पे चलता है बट उन्हें मतलब जितने भी अफगान फाइटर थे तो वो जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो चले गए, बाहर चले गए, तो वो बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे अजीम बदाशी है, ये अजीम है, तो अभी बहुत सारे और प्रोफेशनल फाइटर हैं तो आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, और फ्यूचर में देखते हैं अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो। इंडिया और अफगानिस्तान का मतलब बहुत ही फ्रेंडली है, और इंडिया बहुत सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को किसी भी कंडीशन में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट को भी बहुत सपोर्ट था इंडिया से। और जैसे मैंने बताया पहले भी कि मुझे इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू HSCR स्कॉलरशिप, अजीम को भी किया है और बहुत सारे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को करता है, और
अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो एज एन अफगान हम भी मतलब इंडिया से इतने प्यार करते हैं जितना इंडिया हमको प्यार करता है, तो वो कभी भूलेंगे नहीं और बोलना नहीं भी चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। जितना भी अच्छे ब्रांड है, कितने भी मतलब अच्छे ब्रांड है, मतलब उनको चाहिए कि वो अपने फाइटर को सपोर्ट करें। एमएमए इज़ लाइक प्राइवेट गेम, इसको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट बॉडी इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो जो अच्छे ब्रांड है उनको इनको सपोर्ट करना चाहिए। एमएमए का फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा होने वाला है। 1.38 करोड़ पॉपुलेशन में अगर एमएमए नहीं चलेगा, स्टार नहीं बनेंगे तो किस पॉपुलेशन में बनेंगे? एक बंदा है मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा पे पर व्यू देता है। अगर यूएफसी फाइट देखोगे किसी भी, तो इंडिया पॉपुलेशन देता है पे पर व्यू। तो अगर इंडियन फाइटर जाएगा यूएफसी में या किसी और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में तो कितना मतलब उनको व्यू मिलेगा, और अगर उसने एक ब्रांड पहना है और वो उस चैनल पे आ गया तो उसको कितना मतलब फ़ायदा होगा। तो अभी से अगर वो अच्छे फाइटर को सपोर्ट करेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है उनका आगे बढ़ने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बोलने से तो कुछ नहीं होता है कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ इंडिया से या अफगानिस्तान से, करके दिखाना पड़ता है कुछ। यही होता है कि आप अपने फाइटर को, अपने कंट्री के फाइटर को सपोर्ट करो। ठीक है, मैं अफगानिस्तान से हूँ, मुझे नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे स्पॉन्सर के पास गया हूँ। अभी IMF का टूर्नामेंट होने वाला था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं गया था स्पॉन्सर्स के लिए, तो बोल रहे कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अफगानिस्तान से नहीं हो, अफगानिस्तान के लिए फाइट नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं अफगानिस्तान का नहीं हूँ, बट मैं जाके रिंग में अफगानिस्तान का फ्लैग नहीं उठा रहा हूँ, इंडिया का फ्लैग लेके जा रहा हूँ। बहुत सारे फाइटर हैं दो दो कंट्रीज के लिए फाइट करते, किसी भी फाइटर को देख लो। अभी जो मुकाइफ मोहम्मद है UFC में, अभी उसका डेब्यू फाइट था, वो UK से खेला। तो खेलते हैं लोग, फाइट है, फाइट गेम में तो किसी भी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो आपको स्पॉन्सर करता है उसके लिए फाइट खेलो, मतलब जिस कंट्री से आपको प्यार है। मुझे अगर मौका मिलता है इंडिया के लिए खेलने का तो मैं तो प्राउडली इंडिया के लिए खेलूँगा, क्योंकि 8 साल से मैं इंडिया में रह रहा हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिला उनके इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने, मुझे बहुत प्यार मिला अपने कोच सर से, अपने दोस्तों से। इट्स लाइक बॉन्ड बन गया। तो वो उसके लिए नहीं खेलूंगा तो किसके लिए खेलूंगा? मुंह की बात नहीं है, दिल दिल से बोल रहा। जो नए MMA फाइट के लिए आते हैं, मतलब जो स्टार्ट करते हैं, जो MMA देखते हैं TV पे या लोकल रूम से या किसी भी इंडियन चैम्पियनशिप में जाते हैं, वो देखते हैं कि हाँ मुझे भी ये गेम खेलना है, उससे पहले मेरा उनके लिए ये एडवाइस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एज को देखो। ठीक है, अब मैं स्पिरिट बहुत होगा, बट एज मेन फैक्टर है। सपोज आपकी एज 20-21 ईयर है और आप बोलते हो कि मुझे MMA स्टार्ट करना है, उसके लिए आपके पास बेसिक क्या है? बेसिक कुछ तो होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड क्या है? आप फाइटिंग गेम से रिलेट करते हो या नहीं करते हो, या इसी टाइम से फाइटिंग गेम स्टार्ट करना चाहते हो? तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब अच्छा फाइटर बनने के लिए मिनिमम मिनिमम अगर चलेगा तो 5 ईयर्स तो लगेगा, उसमें आपका 25 ईयर हो जाएगा। उसके बाद आपको अच्छा प्रमोशन मिलता है नहीं मिलता है, आपकी इंजरी होती है, डाइट कैसे चलता है, कोच कैसा मिलता है, प्रमोशन कैसा मिलता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो भी नए स्टूडेंट आते हैं या MMA फाइटर आते हैं, उनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि आप सबसे पहले अच्छा कोच ढूंढो, उसके बाद अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब जुड़ जाओ, और अपने डाइट पे फोकस करो और ट्रेनिंग पे फोकस करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो इंजरी से दूर रहो। हम जोश जोश में आ जाते हैं, एक छोटा सा मसल फट गया तो फिर वो 3-4 महीने तो ऐसे ही हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात है कि आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो आपका इलाज कौन करेगा? पेरेंट्स करते हैं, वो उनका फोकस यही रहता है कि बेटा आगे जाके क्या करोगे, मैं खेल लिया तो क्या फ्यूचर है, कौन अच्छा लेवल पे खेल रहा है, इससे क्या होगा, लग जाएगी, मर जाओगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा है पढ़ाई करो। पढ़ाई में मतलब लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, एशियन लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली इंडिया में तो मतलब पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं लोग, किसी भी मतलब क्या में बॉक्सिंग हो, मुई थाई हो। फ्यूचर गोल यही है कि मतलब फाइट करना है और अच्छा फाइट करके दिखाना है। आई नो माई स्किल्स,
एंड आई वॉन्ट टू शो इट टू द वर्ल्ड। उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अच्छे फाइटर मिलने चाहिए, तभी तो लोग देखेंगे। ऐसे मुंह बोलने से तो कुछ नहीं होता। मैं बोलूँगा कि मैं सबसे अच्छा फाइटर हूँ, उसको प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ करने के लिए कोई सामने होना चाहिए जो अच्छा खेलता हो। बोलता हूँ कि मैं अपनी डिवीजन में किसी को भी हरा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ओनली एशियन फाइटर को, वर्ल्ड के लेवल किसी भी फाइटर को, फ्लाईवेट।